बिहार की लठबाज पुलिस सीतामढ़ी में महिला को दौड़ा दौड़ा कर मारा, हैरान कर देगा ये वीडियो। बताया जा रहा है कि रास्ते में दो महिलाएं आपस में झगड़ रही थीं। ये देख थानाध्यक्ष आपा खो दिए, उन्होंने एक महिला को लाठियों से जमकर पीटा। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड बाजार में शनिवार को एक महिला को एक खाकी वर्दी वाला डंडे से ताबड़तोड़ पीटा। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वर्दी में व्यक्ति तो पुलिस वाला दिखता है, लेकिन जिस बेरहमी से महिला पर डंडे चटका रहा है उससे वो किसी गुंडा से कम नहीं लग रहा है। हालांकि पता चला है कि वर्दी पहना व्यक्ति सुरसंड थाना अध्यक्ष है। वे जिस तरह महिला पर डंडे मार रहा है, एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो दूसरी ओर इसी सरकार की पुलिस उसकी सोच को पलीदा लगा रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले का है, जहां के सुरसंड थानाध्यक्ष का गुंडा वाला चेहरा सामने आया है। थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह इंस्पेक्टर भी हैं। खबर मिली है कि दो महिलाएं आपस में झगड़ रही थीं। ये देख थानाध्यक्ष आपा खो दिए, उन्होंने एक महिला को लाठियों से जमकर पीट दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना का है। वीडियो में दिख रहा है कि थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह हाथ में लाठी लिए गुंडों की तरह एक दलित महिला को लाठी से पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान महिला डरी सहमी दिखाई देती है, लेकिन थाना प्रभारी लाठी लगातार बरसाते जा रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुरसंड थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सुरसंड थाना प्रभारी के इस अमानवीय कार्य पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।